हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये है आपका कोड 507 का है और पार्ट टू है। ये आपकी डिमांड है कि जल्द से जल्द आपको जो जितने भी वीडियोस हमने अभी तक बनाए हैं एक वीडियो में करके अवेलेबल करवा दूँ। रियल में टाइम कम है, चलिए आइए पार्ट टू देख लीजिए। इसके कुछ देर बाद मैं पार्ट थ्री अपलोड कर दूंगी तो आपका 506, 507 के जो एमसीक्यू है वो कंप्लीट हो जाएंगे और नाइट में मैं 506 के वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगी। तो चलिए फिर आप देख लीजिए एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट ही है और इसमें थ्री वीडियोज एक साथ में इंक्लूड है। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार बालक का अर्थ है। यदि हम आपके 5 यूनिट की बात करें तो ये बाल अधिकार और विद्यालय प्रावधान से है। ओके, तो इसके अंतर्गत एमसीक्यू ले लेते हैं जल्दी से कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार बालक का अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसमें बालक का अर्थ होता है का जो है राइट आंसर होगा यानी 18 वर्ष की आयु से कम का प्रत्येक जो मानव होता है वो बालक की श्रेणी के अंतर्गत आता है। बालक और बालिका, तो जो 18 वर्ष की आयु से कम बालक बालिका होते हैं यानी कि चाहे मेल फीमेल हो उनको बालक कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विवाह के लिए किस न्यूनतम आय को कानून द्वारा निर्धारित किया गया है। आपको वो आय बतानी है, न्यूनतम कम से कम आय जिसमें पुरुष और महिला की शादी होती है उस एज के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है का होगा यानी महिला की आय कम से कम 18 और पुरुष की 21। पुरुष जो है 21 वर्ष का हो, 21 वर्ष क्रॉस कर चुका हो, महिला जो है 18 वर्ष। ठीक है, तो ये जो आय होती है ये शादी के लिए निर्धारित की गई है, कानून एक बना दिया गया है भारत में विवाह के लिए। ओके, और आपको तो पता ही है और इजी क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में व्यक्ति पुरुष और महिला के लिए वाहन चलाने हेतु वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है यानी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम बात करते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान है, 19 वर्ष से अधिक के जो बालक होते हैं उन लोगों के लिए वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आयु निर्धारित कर दी गई है यानी कि वो जो है ड्राइविंग लाइसेंस उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है 19 वर्ष से अधिक। अब यहाँ पे खाली स्थान भर लेते हैं कि बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वैध उपकरण बाल अधिकार पर क्या है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संधि सीआरसी जो है वो बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वैध उपकरण बाल अधिकार है। ठीक है, बाल अधिकारों पर राष्ट्र संधि के विविध लक्षण निम्नलिखित है। अब राष्ट्र संधि के लक्षण कौन से हैं, अब यहाँ पे आपको ये बताना है। जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं तो इनमें से राइट ऑप्शन जो है वो घा हो जाएगा यानी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो आपका बाल अपराध है उसके लिए क्या लक्षण है। तो 18 वर्ष की जो आयु होती है उनके लड़के एवं लड़कियों के दोनों पर लागू होते हैं ये। ठीक है, बालक का सर्वोत्तम हित तथा भेदभाव रहित और बालक के विचारों को सम्मान के सिद्धांतों पर संधि निर्देशित है और यह परिवार के महत्व तथा ऐसे वातावरण के निर्माण विकास के लिए हितकारी होने पर जोर देती है। तो जो उपरोक्त चीजें हैं ये सभी जो है ये लक्षण है आपके जो आपका बाल अधिकार है राष्ट्र संधि के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तात्कालिक अधिकार के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं, आपको बताना है। तात्कालिक अधिकार के अंतर्गत तो देखिए राइट आंसर नागरिक और राजनैतिक अधिकार जो होते हैं ये तात्कालिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भेदभाव दंड बाल अपराधों के लिए पृथक न्याय व्यवस्था तथा जीवन का अधिकार से संबंधित मुद्दे किस अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। भेदभाव दंड बाल अपराध जो होते हैं इनके लिए जो पृथक से न्याय व्यवस्था और जीवन के अधिकार से संबंधित जो मुद्दे होते हैं ये किस अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर कैन तत्कालिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि रिक्त स्थान भरना है कि डैश अधिकार तत्काल ध्यान दिए जाने तथा कार्यवाही किए जाने की मांग करते हैं। तो कौन से ऐसे अधिकार होते हैं कि जो प्रगतिशील अधिकार होते हैं वो तत्काल ध्यान दिए जाने तथा कार्यवाही करने की मांग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
शिक्षा का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संधि के किस मानव अधिकारों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि शिक्षा का जो अधिकार है वो संयुक्त राष्ट्र संधि के किस मानव अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए, प्रगतिशील अधिकार के अंतर्गत आता है शिक्षा का अधिकार। ये आपका जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। और प्रगतिशील अधिकार किसे कहते हैं, तो जस्ट अभी हम देख के आ रहे हैं कि वह अधिकार जो तत्काल ध्यान दिए जाएं और तथा कार्रवाई किए जाने की मांग करते हैं, इसीलिए शिक्षा का अधिकार है इसको प्रगतिशील अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वर्णित है किया गया है? तो बताना किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो देखिए, जो संविधान आपका अनुच्छेद 21A है, इसके अंतर्गत जो है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार रखा गया है, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, 501 में भी आपने इसे पढ़ा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को किसी भी प्रकार के जोखिम वाले रोजगार से सुरक्षा के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? कि जो छोटे बच्चों को, जो 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे होते हैं, उनको कल कारखानों में काम ना दिया जाए, किसी भी जगह में, होटलों में, बहुत जगह बच्चे काम करते हैं, उनसे काम लिया जाता है, तो उनसे सुरक्षा के लिए जो अधिकार बनाया गया वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, ये आपको बताना है। तो देखिए, वो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 24 के अंतर्गत है। किसी वर्ष भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ, किसी ने किस वर्ष होगा कि किस वर्ष भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया था? तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान जो है आपका 2001 में प्रारंभ किया गया था। इसमें जो आंसर है ए दिया हुआ है 2000 में, तो ये राइट आंसर नहीं होगा, ये रॉन्ग आंसर आपका है। राइट आंसर आपका गा होगा, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया था, और इसकी स्टार्टिंग जो है आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। ओके, तो राइट आंसर 2001 हो जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार जो आरटी कानून है वो किस वर्ष क्रियान्वित हुआ था, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा, यानी 2010 में। देखिए, 2009 में इसको लाया गया था, लेकिन क्रियान्वित, प्रभावी या फिर लागू किस वर्ष हुआ, तो वो 2010 में हुआ। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा और इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। विद्यालय के संबंध में कौन सा कथन ठीक है, अब कौन सा कथन ठीक है आपको बताना है विद्यालय के संबंध में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी विद्यालय के संबंध में शिक्षकों से पर्याप्त रूप से सुसज्जित होते हैं, बिल्कुल सही है। जहाँ विद्यार्थी अधिगम में संलग्न होते हैं यानी पढ़ते हैं, वो भी सही है। जहाँ पर्याप्त स्थान वाला भवन होता है, ये सभी विद्यालय से संबंधित चीजें होती हैं जो जरूरी एक अनिवार्य पार्ट होता है विद्यालय का, तो इसलिए सभी कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिक्त स्थान भर लेते हैं जल्दी से, कि निम्न स्तरीय गुणवत्ता समानता को प्रभावित करता तथा निम्न स्तरीय समानता डैश को सुदृढ़ करता है। तो निम्न स्तरीय गुणवत्ता को, वेरी सिंपल है कि निम्न स्तरीय गुणवत्ता समानता को यदि प्रभावित करता है, तो निम्न स्तरीय समानता जो है वो किसको प्रभावित करेगा, निम्न स्तरीय गुणवत्ता को। निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता की आधारभूत अवयवों का हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो घा हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी सांविधानिक मूल्यों के साथ सामंजस्य, बच्चे का सर्वांगीण विकास, जहां तक संभव हो सके बच्चे के मातृभाषा में शिक्षण अधिगम निर्देशन हो, ये सभी जो गुणवत्ता होते हैं वो प्रारंभिक शिक्षा की कहे जाते हैं, एक हिस्से के रूप में माने और जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं, कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान के प्रयासों के केंद्र में डैश प्रोत्साहन है, तो कन्या प्रोत्साहन है। फिर एक रिक्त स्थान ले लेते हैं, फिर इंडिया ब्रांच ले लेते हैं, कि जो आपका आरटीई अधिनियम 2009 है, इसके अनुसार विद्यालय में सुविधाओं की गुणवत्ता विद्यालय पहुंचने में बहुत बड़ी बाधा है, तो कौन सी जो गुणवत्ता है वो है आपकी भौतिक, ठीक है ना, बहुत बड़ी बाधा है। सही है, गलत देख लेते हैं। मध्याह्न भोजन दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय पोषक कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है। मिड डे मील जो स्टार्ट किया गया है वो दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय पोषक कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। मध्याह्न भोजन का इतिहास किस वर्ष आरंभ हुआ है, यानी मध्याह्न भोजन कब आरंभ किया गया, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो का हो जाएगा, यानी 1925 में मध्याह्न भोजन स्टार्ट किया गया था, क्योंकि यहाँ पे इतिहास की बात चल रही है, किसी पर्टिकुलर कंट्री की, एक देश की, भारत की बात नहीं चल रही है, तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से और देख लेते हैं,
कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को किस वर्ष से केंद्रीय रूप में प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में देश में चलाया गया। अब ये क्वेश्चन आ गया है, इंडिया की बात चल रही है यहाँ पे कि देश में कब से मध्याह्न भोजन चलाया गया है केंद्रीय रूप से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 से। ठीक है, 1995 में भारत में जो ये मध्याह्न भोजन है उसको चलाया गया है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं सही या गलत में, देख लेते हैं यहाँ पे कि बाला जो है आपका बिल्डिंग एज लर्निंग एड जो है वो अवधारणा का क्रियान्वीकरण करने वाले विद्यालयों की दीवारों पर शैक्षणिक चित्र पंखों पर रंगों के पेन से किया जाता है उसे क्या कहा। ये सही है गलत, तो बिल्कुल सही है ये। और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका फिल इन द ब्लैंक्स का कि विद्यालय में रसोई घर का प्रावधान डैश कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, तो मध्याह्न भोजन में विद्यालय में ही खाना बनाया जाता है और बच्चों को दिया जाता है, इसीलिए रसोई घर का प्रावधान जो है वो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित कथन किसका है, जो कथन दिया हुआ है ये किसका है, किसने कहा है कि नेतृत्व अंततः लोगों के लिए कुछ विलक्षण होने में योगदान करने का एक तरीका सृजित करने के बारे में है। नेतृत्व के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, तो ये कथन किसने कहा है, तो देखिए कथन जो है आपका एकलन कीत का है। किसका है, एकलन कीत ने कहा था कि नेतृत्व जो है अंततः लोगों के लिए कुछ विलक्षण होने में योगदान करने का एक तरीका होता है। ठीक है, और अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नेतृत्व से संबंधित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषताएं हैं नेतृत्व से संबंधित नहीं है। राइट आंसर देखिए होगा मानदंड एवं नियंत्रण स्थापित करना नेतृत्व से संबंधित नहीं होता है। उम्मीद दृष्टि एवं मिशन को संप्रेषित करना बिल्कुल सही है। नेतृत्व एक लीडर, नेतृत्व यानी एक लीडर करना, किसी चीज की लीडरशिप करना, ठीक है ना। मूल्यों से असहमन प्रेरणा से नेतृत्व और एक अच्छा वातावरण सृजित करना, ये सभी जो होते हैं नेतृत्व की विशेषता होती है, लेकिन मानदंड एवं नियंत्रण स्थापित करना नेतृत्व की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्रबंधन से संबंधित हैं। अब प्रबंधन से संबंधित कौन सी विशेषताएं हैं आपको यहाँ पे बताना है, तो देखिए उपरोक्त सभी, यानी कि नीति एवं रणनीतियां तय करना, संसाधनों की योजना बनाना, सूचना एवं ज्ञान का प्रबंधन करना, ये सभी आपके प्रबंधन यानी मैनेजमेंट से संबंधित होते हैं। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, ये काम तो करते हैं, रणनीतियां पॉलिसी बनाना, ठीक है ना, संसाधन जो सोर्स होते हैं उनके प्लान्स बनाना और सूचना एवं ज्ञान का प्रबंधन करना, ये सभी जो विशेषताएँ हैं कैरेक्टर्स हैं ये किसके हैं, मैनेजमेंट के हैं। किस विद्वान के अनुसार प्रबंधन महत्वपूर्ण है किंतु नेतृत्व अनिवार्य है। यदि प्रबंधन महत्वपूर्ण है तो नेतृत्व भी अनिवार्य है। देखिए नेतृत्व के अंतर्गत ही प्रबंधन आता है, क्योंकि अगर कोई लीडर है किसी चीज़ की लीडरशिप कर रहा है तो सबसे पहले वहाँ पे मैनेजमेंट जरूरी होता है। किसी भी चीज़ का लीडरशिप करने के लिए, किसी भी चीज़ की अगुवाई करने के लिए वहाँ पे मैनेजमेंट प्रबंधन जरूरी होता है। तो यदि प्रबंधन महत्वपूर्ण है किंतु नेतृत्व जो है वो अनिवार्य है, तो ये आपको यहाँ पे आंसर देना है कि किसने कहा था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका का, यानी कि जॉन कोटर ने कहा था। किसने कहा था, जॉन कोटर ने कहा था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्रबंधन नेता के रूप में सफल हो जाते हैं क्योंकि, अब एक जो प्रबंधन नेता के रूप में लोग सफल हो जाते हैं, क्यों सफल होते हैं, तो का और खा दोनों ही सही हैं, यानी संवेदनात्मक रूप से उन्नत नहीं है जितना कि वे तकनीकी एवं व्यावसायिक रूप से उन्नत है, और समुदाय के लोगों के साथ सृजनात्मक संबंधों को स्थापित करने में असफल होते हैं, इसलिए प्रबंधन नेता के रूप में सफल हो जाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन जो हमारा है फिर इन द ब्लैंक्स यहाँ पे है कि नेतृत्व एक बहुत सार्थक सामाजिक डैश संस्था है। तो देखिए नेतृत्व एक बहुत सार्थक सामाजिक मनोवैज्ञानिक संस्थान है। ठीक है, निरंकुश नेतृत्व शैली का अर्थ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निरंकुश नेतृत्व शैली का क्या अर्थ है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी निर्णय निर्माण की सभी शक्तियां नेता में केंद्रित हैं और नेता अधीनस्थों के सुझावों या पहल को नहीं मानता है। निरंकुश नेतृत्व, नेतृत्व का मतलब जस्ट अभी बताया लीडरशिप करना, किसी चीज़ की अगुवाई करना, लेकिन यहाँ पे निरंकुश नेतृत्व के आगे निरंकुश जुड़ गया। निरंकुश का मतलब होता है मनमानी करना, अपने मन की करना, लेकिन नेतृत्व में ये चीज़ नहीं होती। नेतृत्व में सबके बात को सबकी सहमति बना के चला जाता है, तो जो निर्णय लिया जाता है वो सभी जो शक्तियाँ होती हैं वो नेता के पास में हाथ में होती, लीडर के हाथ में होती हैं, ये गलत बात होती है। तो ये निरंकुश नेतृत्व की एक विशेषता हो गई, और नेता जो होते हैं वो
जो भी उनके नीचे रहने वाले लोग होते हैं, जो वॉलेंटियर होते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, वो जो उनको बताते हैं, उनको ना मान के अपनी बात मनवाता है, तो वो हो जाता है कि नेता अधीनस्थ के सुझाव या पहल को नहीं मानता है। तो ये दो चीज़ें आ जाती हैं आपके निरंकुश नेतृत्व शैली के अंतर्गत, ठीक है। दोनों चीज़ों को लिख के आप अर्थ इसका निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुक्तय नेतृत्व शैलियाँ कितने प्रकार की हैं, मुक्तय नेतृत्व शैलियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नेतृत्व शैलियाँ जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, चार प्रकार की होती हैं। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि चार प्रकार की जो नेतृत्व शैलियाँ अभी जस्ट बता के आए तो कौन कौन सी हैं। देखिए निरंकुश है, अहस्तक्षेप है, सुस्त और दूसरा प्रजातांत्रिक है। निरंकुश शैली नेतृत्व अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, अहस्त से जिसमें हस्ते बर्दाश्त नहीं किए जाते हैं, सुस्त एक होता है ठाल मटोल करने वाला, और एक प्रजातांत्रिक होता है जो कि अपने भारत में चल ही रहा है अगर हम सरकार के माध्यम से देखें तो। तो चार नेतृत्व की शैलियाँ हो गई, ठीक है। निर्देशनात्मक, रूपांतरात्मक, नैतिक तथा सहभागिता किससे संबंधित है, ये सब चीज़ें किस में देखी जाती हैं। तो देखिए नेतृत्व से, प्रबंधन से, तानाशाह से, इनमें से कोई नहीं, एक या दो से तो राइट आंसर इसका हो जाएगा का, यानी तानाशाह संबंधित होता है, निर्देशात्मक, रूपांतरक और नैतिक सहभागिता, ठीक है, ये किससे संबंधित होता है, तानाशाह से संबंधित होता है। अभी यूनिट 8 से क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी यूनिट 7 का नेतृत्व का चल रहा था, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट MCQ आपके लिए है। लोक जुम्बिश किस राज्य की विशिष्ट बेसिक शिक्षा परियोजना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लोक जुम्बिश जो है वो आपकी राजस्थान की शिक्षा परियोजना, जो शिक्षा कर्मी परियोजना है वो भी आपकी राजस्थान की है। कुछ परियोजनाएं हैं जो गिनी चुनी है, लोक जुम्बिश योजना जो है वो राजस्थान की है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा इस तकनीक से प्रदान करेंगे जैसे राज्य के कानून निश्चित करते हैं, संविधान के किस संशोधन में पास हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने कल वीडियो बनाया है, लेक्चर दिया है आपको विद्यालय बाल अधिकार वाला, उसमें मैंने आपको ये बताया था, बाल अधिकार में ही हमने चीजें पढ़ी हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 46वां, ठीक है। 46वां जो संविधान संशोधन है उसमें ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देनी होगी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित हैं, कौन से लक्षण संबंधित हैं। तो उपरोक्त सभी, संस्थागत सुधार, समुदाय का मालिकाना, संस्थागत क्षमता निर्माण, ये सभी जो लक्षण है किससे संबंधित है, सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रखंड संसाधन केंद्र में कितने विशिष्ट कर्मचारी होते हैं, एक प्रखंड संसाधन केंद्र में कितने विशिष्ट कर्मचारी होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा, यानी कि 5 से 7 विशिष्ट कर्मचारी होते हैं एक प्रखंड संसाधन केंद्र में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से 3 क्वेश्चन 4 हो गए 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका प्रखंड संसाधन केंद्र यानी BRC की नहीं है। तो देखिए राइट आंसर गा होगा, यानी विद्यालयों में बच्चों की आय के उपयुक्त कक्षाओं में नामांकन सुनिश्चित करना। BRC के कौन से काम नहीं है, उनकी भूमिका क्या नहीं होती है, तो प्रारंभिक विद्यालय शिक्षकों के लिए अंतः सेवी प्रशिक्षण का आयोजन करना, ये BRC का काम होता है। विद्यालयों के कार्यों को व्यवस्थित करने एवं सुधारने में क्लस्टर संसाधन केंद्र को सहायता प्रदान करना, ये भी BRC की भूमिका यानी काम होता है। और BRC कर्मचारी सदस्यों को नियमित तौर पर विद्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना अपेक्षित होता है, ये भी काम होता है। लेकिन विद्यालयों में बच्चों की आय के उपयुक्त कक्षाओं में नामांकन सुनिश्चित करना, ये BRC का काम नहीं होता। तो राइट आंसर गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं कि क्लस्टर संसाधन केंद्र मुक्त सुसज्जित विद्यालय प्रांगण में स्थित होते हैं जिसमें प्रत्येक केंद्र विद्यालय को एक समन्वयक के अंतर्गत पोषित करते हैं। तो 15 से 20 राइट आंसर हो गया, यानी कि क्लस्टर संसाधन केंद्र मुक्त सुसज्जित विद्यालय प्रांगण में स्थित होते हैं जिनमें प्रत्येक केंद्र 15 से 20 विद्यालयों को एक समन्वय के अंतर्गत पोषित करते हैं, यानी एक क्लस्टर के अंदर 15 से 20 विद्यालय आते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। फिर चलिए यहाँ पे सही या गलत में देख लेते हैं कि क्लस्टर संसाधन केंद्र को अतिरिक्त कर्मचारी प्रदान किए जाते हैं जो अधिक विद्यालय या सुदूर स्थित विद्यालयों का आवृत करते हैं। बिल्कुल सही है, जब वहाँ पे कर्मचारी की जो प्रॉब्लम्स होती है लोगों की, तो वहाँ पे अतिरिक्त जो कर्मचारी होते हैं वहाँ पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से विद्यालय द्वारा सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त महत्वपूर्ण अनुदानों में से कौन से सुमेलित नहीं है, यानी सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जो महत्वपूर्ण अनुदान प्राप्त है इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है।
तो देखिए यहाँ पे राशि दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे अनुदान और ये राशि दी है। जैसे शिक्षक अनुदान जो है प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपये मिलता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। विद्यालय अनुदान के अंतर्गत यदि हम आते हैं तो 7,000 रुपये प्रतिवर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा विद्यालय को अनुदान दिया जाता है, ये भी सही है। फर्नीचर अनुदान है, राइट आंसर इसका गा होगा, तो फर्नीचर अनुदान है सरकारी विद्यालयों में 1,000 रुपये प्रति बच्चा, तो ये गलत है। सरकारी विद्यालयों में 1,000 रुपये प्रति बच्चा फर्नीचर अनुदान नहीं दिया जाता। पुस्तकालय के लिए जो है 3,000 रुपये प्राथमिक विद्यालय के लिए दिए जाते हैं, तो ये भी सही है। इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। यदि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय के बारे में पूछ दिया गया कि सर्व शिक्षा क्या अनुदान देता है विद्यालय को, तो आपको यही सब चीजें उसमें डिस्क्राइब करके लिखनी होंगी, ठीक है। एक समय पर उच्च प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में 500 रुपये प्रति बच्चा दिया जाता है, यहाँ पे 1,000 रुपये है, तो 1,000 रुपये नहीं बल्कि 500 रुपये प्रति बच्चा है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है। कि हो सकता है यहाँ पे ये यह ऑप्शन बदल के 500 दे दे और इनमें से कोई ऑप्शन जो है चेंज कर दे, तो थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डायस शिक्षा संबंध में कौन सा कथन सही है। जो आपकी डायस होती है इसमें, यानी शिक्षा की जो जिला सूचना प्रणाली होती है, एक विद्यालय आधारित सांख्यिकी प्रणाली है या फिर यूनिसेफ की सहायता से शुरू किया गया, इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो घ जो है उपरोक्त सभी, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, और घ भी सही है कि जो डायस होता है विद्यालय आधारित परिवर्तन जैसे नामांकन आधारभूत सुविधा और शिक्षकों की संख्या का डाटा उपलब्ध कराता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर घा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण का राष्ट्रीय परिषद यानी एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो देखिए 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी, इसका जो हेड ऑफिस कहाँ है मुख्य जो, तो वो आपका दिल्ली में है। एनसीईआरटी के उद्देश्य क्या है, अब एनसीईआरटी के उद्देश्य बताना है यहाँ पे, तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका घा, यानी उपरोक्त सभी। तो एनसीईआरटी के मेन उद्देश्य होते हैं शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रमों को आयोजित करना, बिल्कुल सही है, नए एवं अभिनव शिक्षण तकनीकों अभ्यासों को विकसित करना, जो भी आपका सिलेबस होता है, जो भी आपकी पाठचर्या होती है, ये सभी चीज़ें जो होते हैं कहाँ से चेंज होते हैं, एनसीईआरटी के माध्यम से चेंज होते हैं, ठीक है ना। जो भी आप कोर्स पढ़ रहे हैं ये आपको एनसीईआरटी अवेलेबल करवाता है, तो एनसीईआरटी के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रिक्त स्थान भर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की। एनसीईआरटी में राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचा के साथ प्रकट हुआ है, किस ढांचे के साथ प्रकट हुआ, तो 1988 में ढांचा बनाया गया था, उसके बाद एनसीईआरटी राष्ट्रीय पाठचर्या बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं कि 1973 में निम्नलिखित में से कौन सा परिषद केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के लिए अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी मुद्दों पर एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर क्या होगा, यानी अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद जो आपका है, यानी 1973 में एक परिषद बनाया गया था जो केंद्रीय एवं राज्य सरकार के जो अध्यापक शिक्षा होते हैं उनसे संबंधित मुद्दों पर, जो भी मुद्दे होते हैं उनके सलाहकार के लिए एक परिषद की स्थापना की गई थी, वो परिषद क्या है, अब आपको बताना है वो संस्था कौन सी है, तो अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद है। और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका एनसीपीसीआर की है, एनसीपीसीआर की कौन सी भूमिका है शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, यानी बच्चों की शिक्षा के अधिकार का निरीक्षण करना, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के बच्चों के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करना, और विद्यालयों द्वारा कार्यान्वित होने वाले मानकों एवं नियमों की सिफारिश करना, तो ये सभी जो होते हैं शिक्षा के अधिकार, शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत आते हैं, एनसीपीसीआर की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि किस परिषद का मुख्य कार्य विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाना है, यानी विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार कौन सा परिषद लाता है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका गा हो जाएगा, यानी शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण की जो राज्य परिषद होती है वो जो है शिक्षा के कार्य में गुणात्मक शोध लाती है, और खासतौर पर शोध जो आपके डिजर्टेशन होते हैं, पीएचडी वगैरह जो टीचर्स करते हैं वो शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण राज्य परिषद के अंतर्गत ही करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां एससीईआरटी से संबंधित है, देखिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जहां पे एन है
वो आपका नेशनल हो जाता है, और जहाँ पे यस आ जाता है यस CERT वो आपका स्टेट हो जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये स्टेट लेवल राज्य लेवल के लिए होती है SCERT पूरी निगरानी होती है, और जो NCERT होती है वो नेशनल लेवल के लिए होती है राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है, उसके अंडर में NCERT आती है। तो यहाँ पे कौन सी गतिविधियाँ NCERT से संबंधित है आपको बताना है, तो घर उपरोक्त सभी यानी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, डाइट्स के साथ समन्वय करना, नई शिक्षण तकनीकों विधियों को कार्यान्वित करना जो SCERT होती है इसका काम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सही या गलत में देख लेते हैं कि आपका जो है कि जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का रिकॉर्ड रखता है, तो बिल्कुल सही काम ही होता है जिला शिक्षा अधिकारी का कि जितने भी उसके क्षेत्र के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बालक होते हैं सभी का रिकॉर्ड उसके पास होता है। निजी विद्यालयों के मान्यता को देखना तथा शिक्षकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति को देखना किसके कार्य के अंतर्गत आता है, जो निजी विद्यालय की मान्यता है उनको मान्यता मिली है या नहीं मिली है, और जो शिक्षकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति को देखने के लिए किसका ये किसका काम होता है, तो राइट आंसर है जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का काम होता है निजी विद्यालयों की मान्यता को देखना, शिक्षकों के बारे में इंफॉर्मेशन रखना। सही या गलत लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि यहाँ पे शैक्षिक एजेंसियाँ जो NGDS होती हैं शिक्षा के प्रचार में सार्थक भूमिका निभा रही हैं, तो बिल्कुल सही है, बहुत सारी ऐसी शैक्षिक एजेंसियाँ हैं जो खुद स्वयं एजेंसियाँ चलाती हैं और शिक्षा के बारे में प्रचार प्रसार करती हैं, तो कुछ गवर्नमेंट की होती हैं, कुछ अर्ध सेमी गवर्नमेंट होती हैं, और कुछ जो होती हैं स्वैच्छिक होती हैं, ठीक है। ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और यूट्यूब पे जब आप सर्च करेंगे ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी तो बहुत ही से चैनल मिल जाएगा आपको। तो चलिए आइए आज देख लेते हैं इंपॉर्टेंट MCQ आपका जो कोड 507 का है, और यूनिट की बात करें तो 4 है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, और दूसरी बात है कि एयर अकेडमी में हमें आप फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे भी हम आप किसी की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप हमें अन अकेडमी में भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि अन अकेडमी लर्निंग ऐप है, इसे आपको डाउनलोड करना होगा, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया रहेगा, गूगल प्ले में जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप को ओपन करिए, सर्च बॉक्स में जाकर आरती वर्मा लिखिए, वहाँ पे सर्च करिए और प्रोफाइल ओपन होगी जिसमें फॉलो रहेगा, वहाँ पे आपको फॉलो को क्लिक करना होगा क्योंकि हम करा रहे हैं आपके CTET MPTET एंड DELED की प्रिपरेशन। तो जल्दी से अनअकैडमी में फॉलो करिए, थैंक यू। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है यानी शिक्षा में समुदाय की भागीदारी आंशिक रूप से दो रूपों औपचारिक एवं डैश रूप से स्थान लेती है, तो देखिए औपचारिक के साथ में दूसरा आ जाएगा जो आपका होगा अनौपचारिक, ठीक है। तो शिक्षा में समुदाय की भागीदारी आंशिक रूप से दो रूपों औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से भाग या स्थान लेती है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि जमीन का दान किस समुदाय की भागीदारी है, जो जमीन का दान होता है वो किस समुदाय की भागीदारी के अंतर्गत आता है, औपचारिक अनौपचारिक का और खा दोनों इनमें से कोई नहीं, तो देखिए अनौपचारिक, जो जमीन का दान होता है वो अनौपचारिक समुदाय की भागीदारी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि विद्यालय विकास व्यवस्थापन समिति किस समुदाय की भागीदारी है, विद्यालय विकास व्यवस्थापन समिति किस समुदाय की भागीदारी है, औपचारिक अनौपचारिक का या खा दोनों, तो राइट आंसर होगा औपचारिक, ठीक है ना। विद्यालय विकास व्यवस्थापन समिति जो होती है वो औपचारिक समुदाय की भागीदारी होती है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था, ये तो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए आंसर इसमें का 2000 दिया है, लेकिन आई थिंक इसका राइट आंसर खा होगा 2001। सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो जो आपके प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। किस उद्देश्य के लिए की गई थी, तो देखिए जो आपका यूनिवर्सल यानी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण था उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी, और इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। इसका उद्देश्य क्या था सर्व शिक्षा अभियान का, तो उद्देश्य था जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको मुफ्त निर्वाह शिक्षा देना, तो इसका जो राइट आंसर वो खा हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 किस वर्ष प्रभावी हुआ, यानी किस वर्ष लागू किया गया बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा घ यानी 2010 में,
कब लागू किया गया? 2010 में लागू किया गया। अधिकार कानून है, अनिवार्य शिक्षक अधिकार कानून 2009, यानी कि 2009 में इसको लाया गया था। और लागू प्रभावी कब हुआ, यानी कब से लागू हुआ, तो 2010 में लागू हुआ। ठीक है ना, दोनों चीजों को समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के मुख्य लक्षण नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा लक्षण है जो शिक्षा का अधिकार कानून 2009 है उसके लक्षण नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ग जो दिया है ऑप्शन, ये सही हो जाएगा कि निजी विद्यालय कम से कम 30% बच्चों को अपने विद्यालयों में प्रवेश देंगे। ये जो है लक्षण है सही नहीं है, यानी कि यह कानून शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बीच प्रत्येक बच्चे का एक मौलिक अधिकार बनाता है। बिल्कुल सही, जस्ट अभी आपको बता के आ रहे हैं। सरकारी विद्यालय सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे और अनिवार्य भी है, ये भी सही है। विद्यालय में लड़कियों एवं लड़कों के लिए पृथक शौचालय होने चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की तरह ये है। लेकिन जो ये वाला आपका गा है कि निजी विद्यालय में कम से कम 30% बच्चों को अपने विद्यालय में प्रवेश देंगे, ये जो है लक्षण नहीं है शिक्षा का अधिकार कानून 2009। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान में किसके अंतर्गत खाता रख रखाव को पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है? सर्व शिक्षा अभियान में किसके अंतर्गत खाता रख रखाव को पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का ये कार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यदि 9 वर्ष का बच्चा विद्यालय नहीं गया है या पहले विद्यालय छोड़ चुका है तो किस कक्षा में नामांकित होगा? यानी 9 ईयर का अगर बच्चा है और विद्यालय कभी भी नहीं गया है, यदि गया भी है और उसने छोड़ दिया है जाना स्कूल, तो उसका नामांकन पुनः उसे दाखिला लेना होगा, एडमिशन लेना होगा। तो किस कक्षा में, किस क्लास में एडमिशन लेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका 4, कक्षा 4 में उसे एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 ईयर का जो बच्चा है वो क्लास जो 4th में उसे एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि देखिए इसका 9 4th क्लास इसलिए होगा क्योंकि 9 के एज के हिसाब से लग रहा है कि तो बहुत ज़्यादा है ना। एक्चुअली क्या है कि जो प्राइमरी गवर्नमेंट जो रूल्स होते हैं इन स्कूलों में UKG LKG ये चीज़ें नहीं लगती हैं, डायरेक्ट जो एडमिशन होता है वो 1st क्लास से होता है। ठीक है ना, और 6th ईयर पे होता है। तो 6th ईयर में अगर वो 1st क्लास में है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप करें तो 4th क्लास में, और 9 ईयर में वो 4th क्लास जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। शैक्षिक गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी निम्नलिखित में से कौन से तरीके में लाभदायक है? शैक्षिक गतिविधियों में समुदाय की जो भागीदारी है वो किन तरीकों से लाभदायक हो सकती है, यानी समुदाय की भागीदारी शिक्षा में किस तरह से लाभदायक हो सकती है? सीधा ये आंसर क्वेश्चन आपका बनता है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये शैक्षिक प्रणाली को समर्थ बनाने में सहायता करता है। समुदाय की भागीदारी शिक्षकों को सजग एवं उत्तरदायी रखेगी और यह सभी वर्गों, विशेषतः कमजोर वर्गों की शिक्षा की जरूरतों समस्याओं को अपनाने में आसान होगा। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सही या गलत कि समुदाय विद्यालय के शिक्षकों प्रधानाचार्य मुख्य अध्यापक आदि के कार्यों का पर्यवेक्षण कर सकता है? तो बिल्कुल सही है ये। और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि समुदाय निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा शिक्षा में सुधार ला सकता है? समुदाय क्या कर सकता है जिससे शिक्षा में सुधार लाया जा सके, या क्या रोल हो सकता है शिक्षा में सुधार लाने की, क्या भूमिका हो सकती है? तो राइट आंसर उपरोक्त सभी, यानी विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को पहचानने में सहायता कर सकता है समुदाय, शिक्षकों को भर्ती करना एवं समर्थन देना काम हो सकता है समुदाय का, और विद्यालय कैलेंडरों को अनुसूचित करना, ये जो तीनों काम है समुदाय के द्वारा हो सकते हैं शिक्षा में सुधार लाने के लिए, काम करके शिक्षा में सुधार ला सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के प्रति समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए किन गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए? प्रारंभिक शिक्षा के प्रति समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए किन गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, यानी माँ बेटी मेला है, बाल मेला है, समान जागरूकता अभियान, इन सभी का आयोजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम शिक्षा समितियों का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति जो होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? देखिए जो ग्राम प्रधान होता है वो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि विद्यालय प्रबंध समितियां जो SMC के गठन के संबंध में कौन सा कथन ठीक नहीं है? विद्यालय प्रबंधन समिति जो होती है इसके गठन में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है तो वो घा दिया हुआ है, यानी से 1/4 में 1/4 विद्यार्थी होंगे, तो ये जो कथन है ये ठीक नहीं है। यानी कि जो विद्यालय प्रबंध समितियाँ हैं आपका,
एसएमसी के 3/4 सदस्य यानी 75% अभिभावक से होंगे, ये भी सही है। उनमें से 50% औरतें होंगी, ये भी सही है। शेष 1/4 में 1/3 विद्यालय के शिक्षक होंगे, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे 1/4 भाग में 1/4 विद्यार्थी होंगे, ये जो कथन है वो गलत है, ठीक नहीं है। तो राइट आंसर घा हो जाएगा। और चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य विद्यालय प्रबंधन समितियों से संबंधित है, कौन से कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित है। देखिए उपरोक्त सभी जो कार्य हैं वो विद्यालय प्रबंधन समितियों से संबंधित हैं, क्योंकि शिक्षा के अधिकार के निर्देशानुसार विद्यालय विकास योजना बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। सुनिश्चित करना कि सरकार के सभी जो पहलू हैं विद्यार्थियों तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, जो सरकार योजनाएं बना रही है विद्यार्थियों के लिए लाभ दे रही है वो सब विद्यार्थियों तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसकी जो निगरानी होती है कार्यालय विद्यालय प्रबंधन की होती है। और वित्त प्रबंधन और शैक्षिक प्रगति का पर्यवेक्षण करना, तो विद्यालय कार्य विद्यालय प्रबंधन समितियों से संबंधित ये सभी कार्य हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का इम्पोर्टेंट MCQ आपका 507 कोड से, और यूनिट 4 हमने लिया है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड के जो वीडियो है MCQ है ऑलरेडी अवेलेबल है, तो प्लीज़ उन्हें आप वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं इनका लिंक दे दूंगी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, अन अकेडमी में फॉलो कर लीजिए। इग्नू से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो हमारा दूसरा चैनल है करियर गाइडेंस, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका भी लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगा, तो सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिलेंगे, बस आपको देखने की ज़रूरत होगी। चलिए फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।